चौथे में चढ़ते हैं। मैम बैठ जाओ। जब चौकीदार ने बड़े जोश और खरोश से पूरे देश को गुमराह करने की पूरी बिसात बताई और गुजरात मॉडल की चारों तरफ चर्चा की, सभी लोग चक्कर में आ गए। इस तरह का जाल फेंका गया मीडिया से, ऐसे इस तरीके से सारी कहानी गढ़ी गई, सब लोग चक्कर में आ गए। 60 साल की बजाय 60 महीने मांगे गए, लोगों ने दिए, ईमानदारी से दिए लोगों ने। और उसके बाद में जो सरकार बनी, 5 साल चली, 2 साल जाते जाते सबको समझ में आने लगा कि जो कहा गया उससे अलग हटके कुछ कहा नहीं है, और शायद झूठ के अलावा आखिर में कुछ भी नहीं निकलेगा, और वैसा ही हुआ। 164 योजनाएं मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने घोषित की, बड़ा ढोल पीटा गया, लेकिन मोदी ही सरकार के आंकड़े कहते हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, कि मात्र 15-20% काम हुआ उन योजनाओं पर, 80-85% काम ही नहीं हुआ। लेकिन हल्ला खूब मचाया गया। हल्ला क्यों ना मचता, क्योंकि जितना भी मीडिया है उसमें 68 चैनल अंबानी ने खरीदे हुए, 68 चैनल पूरे खरीदे हुए उसके हैं, और 122 चैनल में उसकी हिस्सेदारी है। तो जब 200 चैनल एक ही सरकार के हैं, और उस सरकार के कि जो वो बिजनेसमैन है, प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के चलता है, तो ऐसी ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा चौकीदार, और उसका जो जिसकी वो दौड़ी को सलाम करते हैं, सारा मिला हुआ सब कुछ, पूरी साजिश तो होना ही था कि जो वो कहेंगे, जो दिखाएंगे वही दिखाया जाएगा, उसके अलावा कुछ सच आपको दिखाया नहीं जाएगा और छुपाया गया इसी तरह से। लेकिन धन्यवाद सोशल मीडिया को और आप सबको, जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सारी बातें कहीं ना कहीं निकल के आती रहीं, और इन्होंने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुपा कुछ भी नहीं, सब कुछ लोगों के सामने आ गया। सोशल मीडिया ने सबके सामने बता दिया सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, और किस तरह से पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। और 5 साल होते होते सबके सामने, और जब देखा कि 5 साल बाद सरकार जीत नहीं सकती, भाजपा किसी हालत में 2019 का चुनाव नहीं जीत सकती थी, जीतने का केवल एक ही कारण था ईवीएम, अगर ईमानदारी से होता पुलवामा कराने के बाद भी नहीं जीत सकती थी। लेकिन इनका नैतिक पतन इस हद तक हो चुका है कि अपने ही जवान इन्होंने शहीद करा दिए, पुलवामा में 44 जवान जो शहीद कराए वो इनकी करतूत है। मैंने बहुत पहले ही कहा था, कोई और नहीं है, पाकिस्तान मारने वाला नहीं है, इन्होंने ही कराए थे सिर्फ जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। बहुत लोग समझे नहीं, और इन्होंने जो प्रचार किया उसमें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में बहुत सी बातें दब गई, लेकिन सच्चाई फिर भी सबके सामने आई। 2019 का चुनाव आया, और आप सबको मालूम है कि किस तरह से ईवीएम से वो चुनाव जीता गया। वो आपकी वोटों से नहीं जीता गया, या जिन्हें वो कहते हैं हिंदुओं की वोटों से, हिंदू मुस्लिम जो करते हैं उनसे चुनाव नहीं जीता गया, वो चुनाव केवल और केवल ईवीएम से जीता गया। और इसीलिए हम तो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है ना, तो रिजाइन करके आओ, लोकसभा चुनाव दोबारा करवाओ और बैलेट पेपर से करा, फिर देखेंगे तुम कितने बड़े वो, उस समय पता लगेगी। लेकिन हिम्मत नहीं, चौकीदार है ना, हिम्मत कहां से हुई, चौकीदार एक दड़ी पार, हिम्मत कहां से होगी, हिम्मत नहीं है, केवल झूठ बोलना है और कुछ नहीं है। यह सब होता रहा और 2019 का चुनाव उन्होंने जीत लिया। 2019 का चुनाव जीतने के बाद 30 मई को जब सरकार ने शपथ ली, तो हम लोगों ने पहली बार, मैडम शबनम हाशमी जी, उनकी पूरी टीम, हम लोग भी उसमें शामिल थे, ईवीएम के विरोध में हमने सबसे पहला धरना जंतर मंतर पर किया, और उसके बाद से हम लगातार लोगों को बताते रहे, समझाते रहे, लोगों को साथ लाने के लिए कोशिश करते रहे। लेकिन बड़े दुख की बात कि लोग साथ आए नहीं, इतनी गहरी नींद में सो रहे थे। आप नहीं बोले जब सैकड़ों लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, आप खामोश रहे। जिस समय 3 तलाक का मसला चला, उस समय भी आप लोग खामोश रहे।
और जिस समय 370 की बात हुई उस समय भी आप खामोश रहे, लेकिन आपकी खामोशी मुझे कभी कभी अकड़ती थी, लेकिन थी वो आपकी समझदारी, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि देश में किसी भी तरह से अशांति फैले और ये हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांटने की साजिश में सफल हो जाए। तो आपकी समझदारी थी, आप कमजोर नहीं थे, किसी भी तरह से आप उनसे कम नहीं थे, डरपोक नहीं थे आप, क्योंकि इतिहास कहता है, इंडिया गेट पर जो लिखे हुए हैं 70% से ज्यादा शहीदों के नाम मुस्लिम शहीदों के नाम है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो जाके देख रहे इंडिया गेट पे। बहुत समझदारी से काम लिया हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम करना था। और आखिरकार यहां आके CAA पर उन्होंने ये सारा काम कर दिया है। शायद हम लोग चुप रहते, वो चाहते तो इसमें माइनॉरिटी शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, माइनॉरिटी शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने जानबूझकर मुस्लिम को छोड़ा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो तभी होगा ना, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हिंदू मुस्लिम कैसे होगा। इसलिए उन्होंने बाकायदा नाम लिखे, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, मुस्लिम नहीं, क्योंकि मुस्लिम अगर लिख देंगे बात सारी खत्म हो जाएगी, या माइनॉरिटी लिख देंगे बात सारी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने उसमें मुस्लिम को जानबूझ के छोड़ा ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए। बहुत कोशिश की, हुआ नहीं, अरमान विचारों के ठंडे हो गए, चाहते तो बहुत थे हिंदू मुस्लिम हो जाए। इसलिए इन्होंने यहां जितना जामिया में तूफान मचाया और उसके बाद AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया, इनकी सारी कोशिशें बिल्कुल नाकामयाब हो गई, क्योंकि पूरा देश इकट्ठा हो गया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है जामिया का, जो जामिया ने काम किया कि सारे छात्र एक साथ खड़े हो गए, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। इसके लिए वाकई में जामिया के जो लोग हैं उनको नमन। अगर वो नहीं करते तो इस तरह से जो ITO पे रात में हम सब लोगों ने धरना दिया, घेरा, उसको पहुंचे सारे लोग, वो नहीं होता और देश जागता नहीं और नौजवान सड़क पर आता नहीं, और ये आंदोलन जो आज पूरे देश का आंदोलन बन गया, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का आंदोलन बन गया, नहीं बन पाता। इसलिए जामिया के लोगों को वाकई में नमन, सलाम। लेकिन अब आंदोलन चल रहा है और उसके बाद से 22 दिन के आसपास लगातार हो गए, पर मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बात बता के आपको कि सरकार कहती है हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, कल सुना ना आपने, तड़ी पार यही तो कह रहा था, सरकार एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, पर तू तो एक इंच की बात कर रहा, हम तो एक मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे, कहे की बात है यार, कौन हटेगा पीछे, ये तो आर पार की लड़ाई है, या तो तू नहीं है हम नहीं, मैदान में अपना फैसला होना ही है, इसके अलावा किसी बात की चिंता नहीं है। ये धमकियां किसी और को देना, ये गुजरात तक ही काफी है, ये यहां नहीं चलने वाली है धरती, इस धरती पर नहीं चलेंगी ये धमकियां। लेकिन अब दिक्कत आगे एक है कि CAA यहां आके अगर सरकार ने, उसने तो कह दिया लोगों को दिखाने के लिए एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार के पास दूसरे भी तो रास्ते हैं, माना कल कोर्ट से स्टे करवा दिया जाए। यह बात आपको समझने की है, मैं इसी को समझाने की कोशिश आपको करूंगा। माना सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख लगी है, या तो 22 तारीख को हो, अगर सारी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हो, लिखित कार्रवाई जो भी जिसका जवाब आना है सेंटर का, इसका अगर पूरा हो गया और उस दिन बहस हो जाती है, हो सकता है उसी दिन ऑर्डर हो, हो सकता है डेट लगे, पर मैं सिंपली ये कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस सरकार ने यह करा दिया कि CAA जो सरकार ने पास किया है उस पर स्टे लगा दिया, क्या हमारा आंदोलन रुक जाना चाहिए? अगर यह करा दिया कि CAA को खत्म ही करा दिया, कोर्ट ने कह दिया नहीं बिल्कुल ये असंवैधानिक है, इसको खत्म किया जाता है, तब क्या हमारा आंदोलन रुक जाना चाहिए? नहीं। अब क्या आवाज कम आई क्यों? यही चीज समझने की है आपको, सरकार बहुत जालिम है, बहुत दुष्ट लोग सरकार में बैठे हैं,
ये इस आंदोलन को कुछ भी किसी भी तरह से खत्म करने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। और आज की तारीख में अदालतों से भी आपको न्याय नहीं मिलेगा, अदालतों का भी इस्तेमाल आपके इस आंदोलन को कुचलने के लिए लोग कर सकते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है। जब तक ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आप लड़ नहीं पाएंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, ये समझना जरूरी है। सीए खत्म भी हो जाता है तो उसके बाद में एनपीआर चल रहा है, आप जानते ना एनपीआर, एनपीआर है एनआरसी का पहला कदम और ये शुरू कर दिया सरकार ने, जिसके लिए सरकार ने 3400 कुछ करोड़ या 4300 कुछ करोड़ रुपए सरकार ने इशू किए हैं। तो एनपीआर चल रहा है और एनपीआर गृह मंत्रालय के जो दस्तावेज हैं जो 2003 में वाजपेयी सरकार में तैयार किए गए थे एनआरसी के विषय में, उसमें साफ लिखा है कि एनआरसी का पहला कदम एनपीआर है। तो एनपीआर जारी है और एनपीआर जारी है तो एनआरसी की तलवार गर्दन पर लटकी है। तो सीएए अगर वापस भी हो जाए, खत्म भी कर दिया जाए, तब भी हमारा आंदोलन रुकना नहीं है। ये आंदोलन केवल और केवल उसी समय रुकना है जब सीएए भी खत्म हो, एनपीआर भी बंद हो, एनआरसी भी सरकार डिब्बे में डाले और ये चौकीदार और तड़ी पार की सरकार रिजाइन करे, लोकसभा भंग हो और दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव हो। उससे पहले बंद नहीं होना है, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम्हारी नियत क्या है, तुम्हारी नीति क्या, हम समझते हैं। आम जनता नहीं समझती लेकिन हम समझते हैं तुम क्या चाह रहे हो। क्योंकि एनपीआर कर रहे हो फिर एनआरसी करोगे, और क्योंकि डिटेंशन कैंप आप बना रहे हो, 6 डिटेंशन कैंप आप बना चुके हैं आसाम में, बाकी के लिए आपने 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, एक आपने बेंगलोर में बनाया है और 35 जगह आपने कर्नाटक में बनाने के लिए चिन्हित कर ली है, यहां तक कि बॉम्बे में भी आपने कुछ बिल्डिंग चिन्हित कर ली है कि जब ही अपना पूरा हिंदुत्व एजेंडा लागू करने जाए तो जिन लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा जाए उस समय तक अगर डिटेंशन कैंप नहीं है तो इन बिल्डिंगों को डिटेंशन कैंप के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ये नियत है सरकार की, तो सरकार की नियत और नीति हम लोग समझ रहे हैं। और सरकार डरी हुई इस बात से है कि एक दिन में इसने लोकसभा से पास करा लिया, एक ही दिन में तो कराया, अगले ही दिन राज्यसभा से पास करा लिया सीए, और 12 तारीख को यानी अगले ही दिन राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तो भैया तुम्हारा 56 इंच का सीना है तो 12 तारीख से लेके क्यों बैठे उन कागजों को, नोटिफिकेशन कराओ ना, गजट में नोटिफिकेशन कराओ। लेकिन डरे हुए हैं, इन्हें मालूम है कि पूरा देश इकट्ठा है और जो हिंदू मुस्लिम चाहते थे वो हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं, होगा नहीं और किसी हालत में नहीं होगा। पूरा देश हर जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति इस आंदोलन में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ चलेगा। इसलिए सरकार घबराई हुई है। अब ये डिटेंशन कैंप क्यों है इसको समझना, पूरी चीज को समझना जरूरी है। अगर ये पूरी चीज समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी कि सरकार कितना खतरनाक खेल खेल रही है। क्या आप समझ रहे हैं कि मुसलमान इसके निशाने पर है? नहीं, मुसलमान निशाने पर है लेकिन उसके अलावा असली निशाना जो है इनका है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड के लोग, और इस देश में वो लोग जो संविधान को चाहते हैं, लोकतंत्र को चाहते हैं, ईमानदारी से अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, इस देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, वो सारे के सारे इनके निशाने पर है। यह है इनका खेल असली। और उसके लिए करेंगे क्या ये, जब ये एनआरसी करेंगे, क्योंकि एनपीआर में जितनी इंफॉर्मेशन आएगी इनके पास में उस इंफॉर्मेशन को लेके ये एनआरसी तैयार करेंगे, और उसमें से किसको निकालेंगे, जो जो व्यक्ति सक्षम होगा, समर्थ होगा, जो इस आंदोलन को किसी भी तरह से सहयोग देने की स्थिति में है, आर्थिक रूप से या किसी भी और स्थिति से, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा उन लोगों को पहले पकड़ेंगे, पहले उनकी नागरिकता खत्म करेंगे। और जैसे उनकी नागरिकता खत्म होगी वैसे ही जब कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है तो देश में संपत्ति कैसे रख सकता है, तो संपत्ति कुर्क की जाएगी उनकी, उनकी संपत्ति पर कब्जा करेंगे, उनके जो बैंक अकाउंट हैं उनको सीज करेंगे और उसके बाद में उनको डिटेंशन कैंप में डालेंगे। यह बड़ी भयानक साजिश सरकार की है, अन्यथा तो सरकार को एनपीआर करने की जरूरत नहीं थी। क्यों करना चाह रही है एनपीआर? एनपीआर आप 10 साल में कर रहे हैं और 10 साल में ही जनगणना होती है, तो दोनों में एक ही चीज है, फिर दो चीज क्यों कर रहे हैं आप?
लोग कोई भी व्यक्ति को सवाल पूछना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो वो 10 साल में जो जनगणना होती है जो 2011 में और 2021 में होगी उसी तरह से आप एनपीआर क्यों कर रहे हो जब सारा का सारा उसमें वैसे ही सारी चीजें हैं। क्यों कर रहे हो आप? आपके पास में आधार कार्ड सारा डाटा एनपीआर में कलेक्ट कर रहे हो, जनगणना में डाटा है आपके पास, जिनके पास पैन नंबर है उन पर डाटा है आपके पास, बैंक अकाउंट्स के पास आपके डाटा है, कितने डाटा आप कलेक्ट करोगे? आप वोटर लिस्ट आपके पास है, सो ये इस्तेमाल करेंगे उन सारी चीजों का कि जो भी लोग सर उठाए उसके लिए कदम करो, नागरिकता पहले खत्म, उसके बैंक अकाउंट सीज करो, उसकी प्रॉपर्टी सीज करो, उठा के डिटेंशन कैंप में डाल दो। और वही हाल फिर करेंगे जो जर्मनी में हिटलर ने किया, 80 लाख लोगों को मार दिया। इनके लिए कितने ही लोग मर जाएं, इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये चीज समझने की है, ध्यान रखना इस बात को, करोड़ दो करोड़ लोग इनके लिए मर जाएं, इनके लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी शुरू से नीति यह रही है। ये कहते हैं कि गोधरा किसी और ने किया, मैं ये कहता हूं कि गोधरा इन्होंने किया और गोधरा के बाद में गुजरात भी इन्होंने किया और उसके बाद लगातार ये सारे के सारी साजिश इन्होंने की। ऐसी कोई चीज नहीं है जो सत्ता पाने के लिए इन्होंने ना की हो। सत्ता की भूख को मैं भी समझता हूं, हो सकती है, लेकिन इन्हें सत्ता की भूख नहीं है, सत्ता की हवस है इनको और हवस इनकी कभी पूरी नहीं हो पा रही है, इसके लिए सारे काम कर रहे। इन सारी चीजों को हमें समझना है और समझ के अपना आंदोलन लगातार करना है। कोई भी कह सकता है कि इस आंदोलन में केवल मुस्लिमों का आंदोलन है। लोग कहते हैं जामिया में जाके देखिए मुस्लिम है, शाहीन बाग में जाके देखिए मुस्लिम है, यह प्रचार किया जा रहा लगातार। लेकिन मैं तो मुस्लिम नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे खिलाफ खुलकर बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं तो मेरे साथ में करोड़ों लोग बोल रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप? और वो करोड़ों लोग हर जाति हर धर्म संप्रदाय के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, वो सब केवल मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, आस्तिक है, नास्तिक है, गांव के हैं, शहर के हैं, सब लोग हैं। तो तुम कैसे कहते हो कि ये सारे मुस्लिम हो गए? लेकिन ये प्रचार इनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है और हमें इनके प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। और आज आपके यहां से मैं घोषणा करता हूं, सरकार खूब कान खोलकर सुन ले, चौकीदार और तड़ीपार और एंड कंपनी जितनी भी है कान खोल के सुन ले, ये संसद के कल गहना कर्नाटक में कि संसद के विरोध में है और संसद सुप्रीम है, संसद सुप्रीम नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हो तो उसे समझ में आए। अबे नौवीं फेल आदमी को क्या पता लगेगी, और वो भी चौकीदार, उसे पता नहीं है क्या किया जाए? नहीं तो पहले ही पढ़ता कि संविधान की जो प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, संसद नहीं, हम भारत के लोग सुप्रीम है, हमें सबसे बड़ी ताकत, हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, संसद भी हमने बनाई है और तुम जैसे को संसद बाहर निकाल के भी हम ही फेंकेंगे, हम लोग हैं। इसलिए ये आंदोलन अब जब तक चलेगा, जब तक ये सरकार इस्तीफा नहीं देगी, लोकसभा भंग नहीं की जाएगी और लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से, ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से दोबारा नहीं कराए जाएंगे, तब तक यह आंदोलन लगातार चलेगा। और आपके माध्यम से चौकीदार और तड़ीपार को बता देना चाहता हूं, वो कह रहे ना हम घर घर जाएंगे, 3 करोड़ परिवारों में जाएंगे, तू 3 करोड़ की बात कर रहा, हम तो 6 करोड़ परिवार में जाएंगे, हम भी घर घर जाएंगे, हम काहे को बैठेंगे यार, हमें क्या जरूरत है बैठने की, हम भी नहीं बैठेंगे, अगर तुम नहीं बैठ सकते हम भी नहीं बैठेंगे, हो सकता है तुम्हारे पास पैसा हो, सरकार है तुम्हारे पास, ताकत है तुम्हारे पास, संसाधन है, लेकिन हम भी मरे गिरे थोड़ी है, अब ये टांग तो है ही है हमारी, इनसे चलेंगे हम में से और कोई व्यक्ति जाएगा। सो हर घर घर हम लोगों ने तय किया है, कल हमारी मीटिंग होगी और उसके बाद में दिल्ली में और दिल्ली के बाहर जैसे भी हुआ, हर घर में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से भाजपा सरकार ने, इस आरएसएस की सरकार ने और तड़ीपार और चौकीदार ने लोगों को गुमराह किया, हम बताएंगे सच्चाई उनको। यही काम हम सबको करना है, यही काम हम सबको करना है।
और ये सारा ये नेक्स्ट मिशन है, बिल्कुल यही काम करना है। और इस लड़ाई में आज से जोड़िए आप, हम तो लगातार कर रहे हैं लेकिन आप भी यहाँ पर लिखिए, इस लड़ाई में आज से ईवीएम भी शामिल होगा, बिना ईवीएम के कोई बात, ईवीएम भी शामिल होगा, क्योंकि जिस दिन ईवीएम से चुनाव बंद हो गया, ये सरकार और उसके जितने भी सहयोगी हैं, 100 से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ये नहीं ले सकते, ये इनकी स्थिति है। और डरना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं, मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जो इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में। मरना एक ही दिन है, मौत का दिन मुकर्रर है, जिस दिन आएगी उस दिन बचेंगे नहीं, और जब तक आए नहीं किसी के सामने हमें मार दे। इसी तरह से हमें लड़ना, इसी जज्बे के साथ लड़ना है, भूखे रह के भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। ध्यान रखना, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, उनकी बदौलत हम आजादी के साथ साथ ले पा रहे हैं। और कोई नहीं मरता भूखे रहकर, जब जेल में आंदोलन किया, जतीन दास जी जो भगत सिंह जी के साथी थे, 114 दिन बाद उन्होंने शरीर त्यागा भूख हड़ताल, जबकि 114 दिन, तो कम से कम 100 दिन की लड़ाई तो हम भूखे रह के भी लड़ सकते हैं। यही करना है हमें, और इस बात की चिंता नहीं करना हम लोग कहाँ है कहाँ नहीं है, हमें चारों तरफ जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, हर पल हर घड़ी हम आपके साथ हैं, जब तक जान में जान है, इस शरीर में सांस चलती है, हम इस लड़ाई में पूरी ईमानदारी से पूरी ताकत से आपके साथ में हैं। आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ में है, और आप देखना बहुत जल्दी आप देखना कि पूरा पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में हमारे लोग काम कर ही रहे हैं, और कर्नाटक, ये सारे स्टेट जो हैं आपके साथ पूरी ताकत से कंधा कंधा मिलाकर साथ में चलेंगे। मैं समझता हूं जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। अपना हौसला बनाए रखिए, पूरी ईमानदारी से पूरे समर्पण के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहिए, आखिर में जीत हमारी होगी। अरे ईमानदार आदमी के सामने चौकीदार और तड़ीपार कैसे जीत जाएंगे भाई, कोई नहीं सकता किसी हालत में, जीतेंगे हम ही जीतेंगे। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया।